How to draw a face side view pencil shading. तो ये लेटरिंग टॉपिक हम लिख के चल रहा है सेल फोर. Pencil shading. How to draw a face side view pencil shading. So this is the topic. तो अभी तुम लोग को side view portrait कैसे होगा, ये measurement कैसे होगा, उसको measurement करके ये side view अभी हम तुम लोग को दिखा रहे हैं. So, first thing, तुम लोग को एक तो मिडिल लाइन, बीच का लाइन एक तो खींचना है, मिडिल लाइन. उसको बाद इक्वल गैप से और एक तो लाइन खींचो. यार पोर्शन के एक तो लाइन इसको एक टू लाइन खींचो. इसको बहुत हेड पोर्शन के एक टू लाइन खींचो. हेड एंड सेम अनदर पार्ट. हेड का ये नंबर वन दिस नंबर इज टू. Number is 3. I portion ka line 4.
spokesperson line. 5. Then lip person. 6. And this one is 7. The 7 part तुम लोग को एक तो side face, side view में तुम लोग को इस तरफ measurement करके जाना है. So first thing देखो, number 1 is head portion, hair portion number 2, eye portion का eye through numbering is 3 and eye portion is 4 and then nose portion is 5 and lip portion is 6 and then last is 7, the head का end portion. So this is the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी इसमें देखो कैसे तुम लोग को लाइन खींचना है. सो हेड पोर्शन का लाइन 1 से तुमको लेके जाना है, देन 2 में आ जाओ इसमें. क्लियर? उसको बाद 3 नंबरिंग में देखो आई थ्रू आ गया, दिस इज द आई थ्रू. नोज पोर्शन से नंबर 5 पे नोज पोर्शन टच हुआ है एंड देन 6 में लिप टच हुआ है. 6 में लिप, सो लिप का लाइन, दिस इज द लिप एरिया एंड 7 पोर्शन. देखो इस तरह गैप मेजरमेंट करके तुम पोर्ट्रेट बनाएंगे तो इजी हो जाएगा. हेड पोर्शन का लाइन हम खींच देता है, दिस इज द हेड पोर्शन लाइन. ईयर पोर्शन लाइन देखो 4 लाइन से, नंबर 4 से शुरू हुआ है ईयर का ड्राइंग स्केचिंग. देखो इस तरह मेजरमेंट करके करेगा तो तुम्हारा परफेक्ट होगा. एंड आई अभी ड्रॉ कर दो, साइड एंगल, साइड एंगल का आई देखो, आई बॉल एक साइड में हो जाए, आई बॉल एक साइड में हो जाए. सो ये हो गया तुम्हारा मेजरमेंट. सो फर्स्ट तुमको दिस लाइन खींचना है. उसको बाद देखो और एक तो लाइन है प्लस तक, तो पहले तुमको फर्स्ट जो है एक तो ओवल लाइन तुमको बनाना है. ओवल, ओवल सर्किल, इस तरफ सर्किल, सर्किल पहले तुम लोग को बनाना है. फर्स्ट इज सर्किल, इस तरह के सर्किल बना लो, उसको बाद ऐसा लाइन खींच के मेजरमेंट जैसा है ऐसे करके चलो. सो अभी हम शेडिंग में जा रहे हैं, अभी हम शेडिंग में जा रहे हैं. सो उसको पहले हम आउटलाइन बढ़िया से डिटेल सब कर लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं. पहले देखो हेड से हम शुरू कर रहे हैं आउटलाइन. This is the head person.
question is here. Eye question either over here. Eyebrows. Ears. So this is the outline sketch. हम करते हैं अभी shading करके हम चल रहे हैं. Shading numbering. पर्सन इसको इतना तक हेयर आ जाएगा, हेयर एंड होगा इधर. सो फर्स्ट थिंग्स, अभी तुम इसको इरेज कर दो, जो पहले वाला सब लाइन था ग्रैप लाइन, इसको धीरे धीरे इरेज कर दो. अभी इसको जरूरत नहीं है क्योंकि मेजरमेंट तुम लोग को हो गया है. सो इरेज हो गया. सो फर्स्ट तुम लोग को फर्स्ट टोन फेस में करना है. फर्स्ट टोन फर्स्ट टोन हो गया. उसके बाद आईब्रो इज थर्ड टोन, आईबॉल दिस इज ऑल्सो थर्ड. आईबॉल का लाइन थोड़ा डार्क कर दो, इसी में थोड़ा सेकेंड शेडिंग होगा. आईब्रो का बीच में थोड़ा हल्का सा सेकेंड शेडिंग हो जाएगा और इसी को बीच में थोड़ा सेकेंड टोन हो जाएगा. फेस का साइड में थोड़ा सेकेंड टोन से डार्क एक तो शेडिंग होगा. दिस इज सेकेंड टोन. धीरे धीरे इसको मिक्सिंग हो जाएगा. फर्स्ट टू सेकेंड के साथ मिक्सिंग हो जाएगा. अगेन साइड में हम थोड़ा डार्क कर देते हैं सेकेंड टोन का डार्क, इसको धीरे धीरे हम मिक्सिंग कर देते हैं. वन का साथ मिक्सिंग कर देते. सो ईयर का अंदर में थर्ड हो गया, दिस इज थर्ड टोन. इसको ऊपर में वन टोन करते हैं. अगेन इसमें धीरे धीरे डार्क टोन में हम चल रहे हैं. से सो दिस इज सेकेंड टोन. सेकेंड टोन इसी में नीचे भी थोड़ा सेकेंड टोन हो जाएगा, उसी को ऊपर में थोड़ा हल्का हो जाएगा. मिक्सिंग वन का साथ मिक्सिंग हो जाएगा. ऑल्सो सेकेंड. लिप पर्सन इसको नंबरिंग टू कर दो. टू इसी को नंबरिंग टू करके इसको नीचे में थोड़ा हल्का से थर्ड टोन कर दो. डार्क थर्ड टोन ऊपर में हल्का से सेकंड टोन कर दो. और नोज का देखो इसको हल्का से सेकंड टोन. इतना तक लिप में एडजस्ट हो जाएगा. नोज का बीच में दो सेकंड टोन कर दो. शैडो तुमको दिखाना है कहाँ लाइट एंड शैडो. दिस इज लाइट एंड शैडो. कहाँ डीप है कहाँ लाइट है वो भी फॉलो करना है.
फेस का शेडिंग हो गया, इसको बाद ये पोर्शन भी तुम्हारा सेकंड टोन कर दो, इसको भी सेकंड टोन हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो सेकंड टोन, पोर्शन में नीचे पोर्शन में थोड़ा थर्ड टोन हो जाएगा। दिस इज थर्ड टोन टू सेकेंड टोन। अभी हेयर पोर्शन देखो पूरा पूरी थर्ड हो जाएगा, हेयर पोर्शन का शेडिंग इज थर्ड। थर्ड शेडिंग व्हाइट सब ऑफ करना है। हेयर का नंबर एक थर्ड अभी चल रहा है, हेयर का लाइन हेयर का जितना व्हाइट लाइन है थोड़ा हल्का से अप कर दो, पेंसिल दबो तो आप देखो धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा व्हाइट। सो हेयर पोर्शन इज कंप्लीट। और भी थोड़ा थोड़ा दिखना है कहाँ कहाँ डार्क होगा, जैसे है इसी को थोड़ा डार्क हो जाएगा नोज का साइड में, और इसी में थोड़ा हल्का से शेडो डार्क कर दो। सेकेंड टोन, ये सेकेंड टोन में इसमें थोड़ा डार्क करना है। फर्स्ट टोन तो पहले था, अभी सेकेंड टोन, फर्स्ट टोन का ऊपर सेकेंड टोन चल रहा है। दिस इज सेकेंड,
अभी तुम लोग नंबरिंग देखो, कहाँ से कौन नंबरिंग हम दिया है थोड़ा डार्क करके हम बता देते हैं। सो फेस का नंबर इज 1, दिस नंबर इज 2, थर्ड नंबर इज हेयर में थर्ड, दिस में 1, दिस नंबर इज 2, हेयर सो 2, ऐसा 1 हो जाए। नंबरिंग दिस इज थर्ड, तो आगे देखो तुम लोग पेंसिल शेडिंग पोर्ट्रेट इज कंप्लीट। सो दिस इज साइड व्यू, साइड View. Side view, portrait. Side view portrait. So, side view portrait में pencil shading is complete. First thing is your circle. पहले circle एक तो बनाना है, then middle line, side line, उसको बाद then this line, double tick, इसमें 0, 0 देखो, उसको बाद ear का ऊपर एक तो line खींचना है, इसको बाद ये भी एक तो लाइन है, इसको बाद हेड का ऊपर एक तो लाइन है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, आईब्रो नंबर 3, आई नंबर 4, नोज पर्सन 5, देन 6 एंड देन 7, तो 7 पार्ट तुम लोग को पहले ग्राफ करना है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पार्ट तुम लोग को ग्राफ बना के इसको कंप्लीट करना है, दिस इज द साइड व्यू पेंसिल शेडिंग। सो उसको बाद तुम लोग को आउटलाइन जो है डार्क करके मार्कर से पहले खींच लो, पहले पेंसिल स्केच, उसके बाद मार्कर से आउटलाइन डार्क करके लाइन खींचो, क्लियर इस तरह। उसको बाद इसको इरेज कर दो, जो पेंसिल है इसमें इरेज कर दो, देन शेडिंग, इसको शेडिंग करो, क्लियर। टुडे टॉपिक इज साइड व्यू पोर्ट्रेट। ओके, थैंक यू।